तो मेरे पास ना एसआरटी टीवी आया हुआ है जो कि 14 इंच का है, हिमस्टार कंपनी का है। तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये हो गया हमारा लाइन इन कपलो कर, इसको लाइन पे लगाते हैं। लाइन पे लगा दिए और लाइन पे लगाते हैं हमारा जो कि पावर एलईडी है हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये सेट एकदम डेड है, जो कि स्क्रीन पर कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, तो चलते हैं इसको ओपन कर कर बनाते हैं कि इसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा खराबी है, कौन सा फॉल्ट है। टीवी को ओपन कर लिया, जो कि कैबिनेट होता है उसको ओपन कर लिया, जो कि हमारा बोर्ड हो गया। तो इस पर पलटा कर रखे हुए और क्या करते कि फिर से हम इसको लाइन पर लगाते हैं। तो क्या करते कि इसको लाइन पर लगा दिए और सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं तो चेक करते हैं। जो कि हमारा ये वोल्टेज हो गया, ये ESD सेक्शन का वोल्टेज है, जो कि ESD सेक्शन पर जो कि हमारा वोल्टेज आना चाहिए वो आ रहा है और फिर से क्या हो रहा है तो गैप हो जा रहा है, जो कि अप डाउन कर रहा है ये वोल्टेज हमारा। तो क्या अभी देख सकते हैं, अभी आया था फिर से चला गया, जो कि लगता है कि हमारा ESD सेक्शन ड्रॉप होगा। तो क्या करते कि सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर देते हैं और कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट सेक्शन पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, रेड प्रोब को ग्राउंड पर रखे और इस पर चेक करते हैं। तो हमारा ये शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, जो कि वैल्यू आ रहा है, आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, तो ESD का जो कि आउटपुट ट्रांजिस्टर आता है इसको यहाँ पर भी चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमारा शॉर्टिंग नहीं है। ये तो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट रहता है और ये हो गया हमारा जो कि वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब लगता है हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ओके है, फिर भी हमारा यहाँ पर कि वोल्टेज आउटपुट करता है वो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। तो क्या करेंगे कि एक बार हम ESD सेक्शन का जो कि यहाँ से यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है इसको ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं वोल्टेज को। एक बार क्या करते कि ये रेजिस्टेंस को ओपन कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस को ओपन कर लिए, जो कि आपको दिखाते हैं, जो कि ये रेजिस्टेंस हो गया, इसको ओपन कर लिए ये वाला को। और क्या करते कि फिर से लाइन पर लगा कर देखते हैं कि हमारा पावर सप्लाई तो ख़राब नहीं है। तो क्या करते कि फिर से इसको लाइन पर लगाए और मल्टीमीटर को क्या करते हैं तो DC रेंज पर रखे और चेक करते हैं वोल्टेज को। एक एक वोल्टेज को क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे, तो डिजिटल मल्टीमीटर को यहाँ पर रखे और ये हो जाते हैं हमारा ग्राउंड और चेक करते ग्राउंड कहाँ पर रख, यहाँ पर रखते हैं थोड़ा आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर चेक करते हैं जो कि हमारा वोल्टेज एकदम ओके, 118 वोल्टेज आ रहा है। इसको ओपन कर देने के बाद में हमारा वोल्टेज एकदम ओके हो गया, जो कि इस पार हमारा वोल्टेज एकदम ओके और इस पार जो कि अभी तो जीरो आएगा, जो कि यहाँ से रेजिस्टेंस को हमें ओपन कर दिए। ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देने पर हमारा जो कि ये वोल्टेज है वो ड्रॉप कर रहा है। तो क्या करते हैं एक बार दूसरा वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं, ये भी एकदम ओके है। नीचे को देखते ये भी ओके है, इसको देखते ये भी ओके, यानी कि हमारा वोल्टेज एकदम ओके है। ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देने पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि हमारा ESD सेक्शन ड्रॉप होगा। तो क्या करते हैं एक बार फिजिकली देख लेते हैं इस पार से, क्या करते हैं कि एक बार आपको ये जो कि हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर हो गया ये शॉर्ट है कि नहीं, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। और क्या करेंगे कि उसके बाद में और भी कंपोनेंट को चेक करेंगे जो कि शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। और एक तरफ से देखते हैं, सबसे पहले तो मल्टीमीटर को डिस बजर रेंज पर रखे और चेक करते हैं, जो कि हमारा एक तरफ से बीप शो नहीं कर रहा है, वैल्यू भी नहीं आ रहा है। और इस पार से चेक करते हैं, जो कि हमारा वैल्यू आ रहा है एकदम ओके, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी एकदम ओके, फिर भी हमारा शॉर्टिंग बता रहा है। तो क्या करेंगे कि एक बार फिजिकली देखते हैं, फिजिकली देखने पर यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग जैसा लग रहा है, जो कि ये ESD हो गया, जो कि ESD हमारा यहाँ थोड़ा खुला हुआ जैसा लग रहा है यहाँ पर। क्या करेंगे कि ये हमारा ESD भी शॉर्ट हो जाने पर हमको ये ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है। तो क्या करते कि ESD को चलते हैं और चेंज कर कर देखते हैं कि हमारा सेट ओके होता है कि नहीं होता है। तो क्या करते कि इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, तो मैंने ये ESD को ओपन कर लिया, जो कि इसका नंबर हो जाता है 1010A, जो कि हमारा चाइना किट पर यही नंबर ज़्यादातर लगा हुआ रहता है। तो क्या करेंगे कि ये ESD के जगह पर दूसरा ESD जाकर लगाते हैं, जो कि ये हो गया हमारा दूसरा ESD, इसका नंबर भी आपको दिखाते हैं, जो कि इसका भी नंबर सेम ही है 1010A है। तो क्या करते हैं कि इसको लगा कर देखते हैं, तो मैंने ESD को लगा दिया। और क्या करेंगे जो कि हमारा ये रेजिस्टेंस को ओपन किए हुए थे इसको भी क्या करते कि कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे कि हम इसमें लाइन पे लगा कर देखेंगे इसको,
तो यहाँ स्टिक ओपन लगा दिए और रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर लिया, और फिर से क्या करते कि इसको लाइन पर लगाते हैं, तो लाइन पर लगा दिए और डिजिटल मल्टीमीटर को क्या करते कि डीसी रेंज पर रखे और देखते हैं हमारा वोल्टेज ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, और चेक करते हैं जो कि हमारा वोल्टेज एकदम ओके हो गया है, जो कि अभी 118 वोल्टेज आ रहा है, जो कि पहले कहीं यहाँ स्टील लगा हुआ था उस टाइम पर हमारा यह वोल्टेज अप डाउन कर रहा था, जो कि अभी एकदम ओके हो गया है। तो क्या करते हैं कि एक बार पिक्चर ट्यूब की तरफ आपको लेकर चलते हैं, टीवी को ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा कर कर क्या करते कि इसको घुमाते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारा टीवी एकदम ओके हो गया है, जो कि लाइट आ गया है। इससे पहले हमारा जो कि लाइट नहीं था, एकदम डेड था, जो कि हमारा इसमें खराबी क्या था, तो ये ESD खराब था, तो इसको हम चेंज कर दिया, तो हमारा टीवी एकदम ओके हो गया। तो ऐसे फॉल्ट को क्या करेंगे कि हम ऐसे रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ हम नया सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।